और सवाल है कि 1 अपॉन रेडिकल x इंटू 1 अपॉन रेडिकल x प्लस 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप इस चीज़ को इस तरह समझें, क्या ये इस पे केस पे पॉसिबल उतर रहा है? आप इस चीज़ को थोड़ा सोचें, क्या न्यूमरेटर में इसका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव है? नहीं, न्यूमरेटर में तो कोई इसका डेरिवेटिव नहीं है, दोनों ही नीचे हैं। फिलहाल आप क्या माने कि आपके पास जो सवाल है, आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल एक्स प्लस वन मान लें, ठीक है, आपने फंक्शन मान लिया, मैं सिर्फ समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, वन का तो जीरो है, रेडिकल एक्स का क्या होगा, वन अपॉन टू रेडिकल एक्स, वन अपॉन टू रेडिकल एक्स होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो वन अपॉन रेडिकल एक्स प्लस वन, और उसका डेरिवेटिव क्या, वन अपॉन टू रेडिकल एक्स प्लस वन, ठीक। जबकि यहाँ पे खाली टू रेडिकल एक्स है, मुझे टू भी चाहिए, तो टू को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इशू नहीं होगा। तो इस सवाल को मैं थोड़ा इस तरह बना देता हूँ कि वन अपॉन रेडिकल एक्स प्लस वन इंटू वन अपॉन टू रेडिकल एक्स और टू बाहर। क्यों इस तरह किया, देखें वन अपॉन रेडिकल एक्स को हमने सेपरेट कर दिया, टू मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और अब केस में क्या बन रहा है कि मेरा एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है रेडिकल एक्स प्लस वन, रेडिकल एक्स प्लस वन फंक्शन डिनोमिनेटर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव साथ में ही है, देखा जाए तो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में ही वैल्यू है उसकी, तो इट मीन्स न्यूमरेटर में क्यों है, क्योंकि इसको मैं चाहे तो इसको वन अपॉन रेडिकल टू एक्स, टू रेडिकल एक्स भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है, तो वो साथ में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका फंक्शन उसका न्यूमरेटर ही है, या फिर इसको आप इस तरह मान लो कि अब मैं इसको अगर वो केस बना दूँ, टू इसी में बना लेता हूँ, चलो ठीक है, रेडिकल एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन कर देता हूँ, रेडिकल एक्स प्लस वन होल पावर माइनस वन कर दिया, क्योंकि नीचे होल पावर क्या था, प्लस वन था, ऊपर जाके माइनस वन हो गया, इस अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाइड है, ये जो वन अपॉन रेडिकल टू है इसका डेरिवेटिव ही है, वन अपॉन टू रेडिकल एक्स डी एक्स इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का, तो पावर माइनस वन है, रेडिकल डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है। या फिर इस केस में देखें, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, साथ में न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट होगा टू लॉग ऑफ फंक्शन अंदर जो भी है, रेडिकल एक्स प्लस वन प्लस सी, सॉल्यूशन आ गया। ये एक और एग्जांपल था, इस सवाल में थोड़ी ट्रिक थी, तो इसको ट्रिक को आप थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको।